नमस्कार, वायरल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वायरल न्यूज में आज खास है, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी नई फिल्म का लुक हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया है। भोजपुरी सुपरस्टार के ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर इस कदर हैरान है, फैंस भी उनकी तुलना में हॉलीवुड के सुपरस्टार के साथ कर रहे हैं। पोस्टर देख कई लोगों ने कमेंट किया, बोले बॉलीवुड अब मुश्किल में है। हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों की तरह रीजनल सिनेमा भी एक्सपेरिमेंट करने में पीछे नहीं है। खेसारी लाल यादव को अब तक सभी लोगों ने एक से बढ़कर एक किरदार में देखा है, लेकिन उनका एक नया और अनोखा अवतार सबको इन दिनों बहुत आकर्षित कर रहा है। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार का वह ट्रांसफॉर्मेशन जो उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म संघर्ष 2 के लिए किया है, उनका ये लुक देखकर हर कोई दंगसा रह गया है। पहली नजर में तो उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो चला था। सोशल मीडिया यूजर्स उनके लुक की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं और बॉलीवुड को मुश्किल में बता रहे हैं। कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के 16वें सीजन में सबसे महंगी कंटेस्ट बनी टीवी की नागिन सुरभि ज्योति। जी हाँ, सुरभि ज्योति ने वायरल खबरों पर सोशल मीडिया के जरिए रिएक्शन दिया है। एक्ट्रेस ने खुद बताई इस वायरल खबर की सच्चाई। बिग बॉस के 16वें सीजन का प्रीमियर जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे ही इसके कंटेस्टेंट को लेकर कयासों का दौर बढ़ता ही जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो नागिन के 3रे सीजन में लीड रोल कर चुकी सुरभि बिग बॉस में बतौर कंटेस्टेंट नजर आएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि वे इस बिग बॉस 16 की सबसे महंगी कंटेस्टेंट होने वाली हैं। हालांकि इसे लेकर खुद सुरभि का रिएक्शन सामने आ गया है। उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है, मुझे आपसे कुछ कहना है, मैं बिग बॉस नहीं कर रही हूँ। दूसरी ओर सीएम योगी की बड़ी सौगात, दीपावली पर हर गरीब को मुफ्त में मिलेगा गैस सिलेंडर। सरकार में लगातार दूसरे कार्यकाल के इन 6 महीनों में सीएम योगी ने कई अहम फैसले लिए हैं। वहीं इस मौके पर सीएम योगी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने दीपावली के शुभ त्योहार पर गरीब परिवारों को लेकर एक खास तोहफा दिए जाने की घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार हर गरीब परिवारों को दीपावली पर मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी ने संकल्प पत्र में होली और दीपावली पर फ्री गैस सिलेंडर देने के वादे किए थे। हालांकि सरकार बनने के बाद होली पर इस घोषणा को लागू तो नहीं किया जा सका था, लेकिन दूसरे कार्यकाल की पहली दीपावली से पहले ही राज्य सरकार ने अपना वायदा पूरा करने का मन बनाया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पहले से ही गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना चला रखी है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे गुजारा कर रही गरीब महिलाओं को पहला सिलेंडर मुफ्त में दिया जाता है। वही दूसरी ओर शिवसेना के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बोले कि बहुमत के नियम को किया जाएगा लागू। चुनाव आयोग इस मामले पर बहुमत के नियम के आधार पर चुनाव चिन्ह को आवंटित करेगा। उन्होंने इस मामले पर एक सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पढ़ने के बाद इसको लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बड़ा झटका लगा। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान चुनाव की कार्रवाई पर रोक लगाने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज करते हुए चुनाव आयोग को ये फैसला करने की अनुमति दे दी है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच किसको असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए और धनुष और तीर का चिन्ह आवंटित किया जाए। राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग इस मामले पर बहुमत के नियम के आधार पर चुनाव चिन्ह को आवंटित करेगा। उन्होंने ये भी कहा, निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देने तथा शिंदे गुट को पार्टी का धनुष बाण का चुनाव चिन्ह आवंटित करने के मुद्दे पर बहुमत के नियम के आधार पर इसका फैसला करेंगे। सीईसी राजीव कुमार का ये बयान तब सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई जारी रखने की अनुमति दे दी है। वहीं पेफाई पर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लेते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पेफाई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार के फैसले का सम्मान किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बाय बाय पीएफआई। आतंकी फंडिंग के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर जोरदार चोट लगी है। केंद्र सरकार ने पीएफआई पर रोक लगा दिया है और इसे गैर कानूनी संस्था करार दिया है।
सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक पीएफआई पर 5 वर्षों तक का प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने पीएफआई के अलावा इसके सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन पर भी निशाना साधते हुए रोक लगाया हुआ है। आज की वायरल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वायरल न्यूज।